और इस वक्त की बड़ी जानकारी कटनी से आपको दे रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी आईटी का एक्शन देखने को मिल रहा है। राजश्री इंडस्ट्रीज और अजय फूड कंपनी में रेड पड़ी है। आपको बता दें कि अनिल इंडस्ट्रीज में भी आईटी की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। माधव नगर में केवलानी ब्रदर्स के घर पर रेड जारी है। उद्योगपति मनीष गई के घर पर कागजात खंगाले जा रहे हैं अधिकारी द्वारा, और 100 से ज्यादा अधिकारी छापेमारी में शामिल हैं। इनकम टैक्स चोरी के आंकड़ों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ राम बिहारी गुप्ता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, आखिर क्या कुछ जानकारी आईटी की इस छापेमारी कार्रवाई में क्या कुछ अब तक सामने आया? जी, मैं बता दूं कि लगातार जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, 100 से ज्यादा अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हुए, जिन्होंने दबिश देकर और कार्रवाई को अंजाम दिया है। दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है, और जो उद्योगपति हैं, जो फूड व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ज्यादातर, जैसे अजय फूड हो गया, राजश्री इंडस्ट्रीज हो गया, अनिल इंडस्ट्रीज हो गई, इनके फर्मों में जाकर, फैक्ट्रियों में जाकर वहां पर दबिश की गई है। आज लगातार दूसरा दिन है जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, और इसी के साथ इनका जो निवास स्थान है, केवलानी ब्रदर्स हैं या अजय फूड के जो मालिक हैं मनीष गई हैं, और जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घर में दबिश देकर और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, और अब तक टैक्स में चोरी का आंकड़े का खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि इनकी सीक्रेट जो है जांच की जा रही है, पूरे दरवाजे बंद, गेट बंद करके और जांच की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम बिहारी गुप्ता तमाम जानकारी देने के लिए।